चलो जी, सबको नमस्कार। सबसे पहले तो बेसिक उस पे आ रहा हूं कि मिलिट्री क्या है। मिलिट्री में तीन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये तीनों चीजें आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। सो दीज आर डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली काफी सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि किसी का कोई सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में, आईटीबीपी वगैरह वगैरह में है, तो वेदर दे वुड फॉल अंडर एएफटी और नॉट, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल और नॉट। सो मिलिट्री कंसिस्ट ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ओनली, एंड दीज थ्री फोर्सेज कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पैरामिलिट्री में आपकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल एटसेट्रा, कई सारी और फोर्सेज हैं जो पैरामिलिट्री में आती हैं। ये आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, इनका डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं है। देन वी हैव अनदर फोर्स दैट इज कॉमनली नोन एज ग्रेफ या बीआरओ, गैरिजन रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स या बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली हमारा जो है वो ये है, व्हेन वी टॉक ऑफ मिलिट्री इट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर्टेनिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओनली। एज फार एज सर्विस मैटर्स आर कंसर्न, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अपने अपनी अपनी सर्विस कंडीशंस हैं, इनके अपनी पॉलिसीज हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये उस हिसाब से चलते हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री या जो भी बाकी ग्रफ मैंने बताया, ये सारे गवर्न होते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के साथ। सो दैट इज वाई जो सीसीएस रूल्स वाली फौज है वो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में या मिलिट्री लॉ के अंतर्गत नहीं आती। आज की तारीख तक, टिल टुडे, मिलिट्री सर्विस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, द सर्विस इज पेंशनेबल सर्विस। आफ्टर रिटायरमेंट यू गेट पेंशन। पैरामिलिट्री एंड अदर फोर्सेस डू नॉट गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। विद दिस बैकग्राउंड आई गो ओवर टू द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी। जनरली आपने कई बार टर्म सुनी होंगी, नॉन कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर या ऑफिसर्स, एनसीओस, जेसीओस, कमीशन ऑफिसर्स, या कई बार ओआरस लिखते हैं, अदर रैंक्स। फौज में जो, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ आर्मी इन माय कंप्लीट डिस्कशन, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ आर्मी बिकॉज इट इज जनरली पेरिमिटेरिया टू एयरफोर्स एंड नेवी, एक्सेप्टिंग दैट द रैंक्स आर डिफरेंट, द नॉमेनक्लेचर ऑफ रैंक्स इज डिफरेंट। आर्मी में टू स्टार्ट विद, द लोएस्ट पर्सन हु इज एनरोल्ड इन द आर्मी इज ऑफ रैंक ऑफ अ सिपाही, सिपाही जिसको कहते हैं। देन देयर इज एन अपॉइंटमेंट कॉल्ड लांस नायक। लांस नायक इटसेल्फ इज नॉट अ रैंक, इट इज एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट बिटवीन द रैंक ऑफ सिपाही, सिपाही एंड नायक। नायक इज अ रैंक। देन द नेक्स्ट रैंक इज हवलदार। इन बिटवीन दैट देयर इज अनदर अपॉइंटमेंट ऑफ लांस हवलदार। सो वी हैव सिपाही, सिपाही एज वी कॉल इट, लांस नायक, देन नायक, देन लांस हवलदार, देन हवलदार। ऑल दीज आर नोन एज अदर रैंक्स, ORs इन शॉर्ट, एक्सेप्टिंग सिपाही, लांस नायक, नायक, लांस हवलदार, हवलदार, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कमीशनड ऑफिसर्स। दे आर नॉट ऑफिसर, दे आर नॉन कमीशनड ऑफिसर्स। आफ्टर हवलदार द प्रमोशन, नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट इज नायब सूबेदार, देन इज सूबेदार, देन इज सूबेदार मेजर। दीज थ्री रैंक्स, नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर, आर जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स, JCOs इन शॉर्ट एज वी कॉल देम। देन द ऑफिसर कैडर कम्स। ऑफिसर कैडर में सबसे पहले, इनिशियली इन आवर टाइम्स इट यूज्ड टू बी सेकंड लेफ्टिनेंट, बट नाउ सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक इज अबॉलिश्ड, द डायरेक्ट कमीशन इज इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। देन वी हैव कैप्टन, देन वी हैव मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर के बाद, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, देन वी हैव जनरल। ओनली वन जनरल इज देयर इन द इंडियन आर्मी। सॉरी ब्रिगेडियर के बाद दोबारा बताना भैया। आई विल कम आउट वंस अगेन, जनरल इज द लास्ट रैंक,
who is also the chief of the army staff. Now with the amendment, we have chief of defense services who is one amongst three. Army, Navy, Air Force में जो सबसे बड़ा है उसको Chief of Defence Staff बोलते हैं. Coming back to officer ranks, Lieutenant, Captain, Major, Lieutenant Colonel, Colonel, Brigadier, then Major General, then Lieutenant General, then General. Now we have Chief of Defence Staff also. इसमें लेफ्टिनेंट टू कैप्टन के लिए, कैप्टन टू मेजर के लिए, मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल एंड लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल, वी हैव टाइम स्केल प्रमोशंस. यानी एक निश्चित तय सीमा के बाद लेफ्टिनेंट अगर वो 2 साल रह लिया तो उसको नेक्स्ट कैप्टन का रैंक मिल जाना. 5वें साल में बंदा मेजर बन जाता, लेफ्टिनेंट कर्नल 11 साल के बाद. ऐसे करके ये सारा कुछ लेट डाउन है, ये अमेंडमेंट होती रहती है. तो अभी इसको आप फिलहाल यहीं तक रोक दीजिए, बिकॉज वी विल बी कंफ्यूजिंग द होल इशू. देन व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू कर्नल दीज आर टाइम स्केल प्रमोशंस, बट फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल अनदर काइंड ऑफ प्रमोशन विच क्रीप्स इन इज प्रमोशन बाय सिलेक्शन. From Lieutenant Colonel to Colonel and Colonel onwards up till General, it is promotion by selection only. Because whosoever does not get any promotion, he is at the most last rank for him retirement is Colonel, time scale Colonel as we call him. But if one gets promoted from Lieutenant Colonel in a selection grade to Colonel, selection कैसे होती है? आपके ACR देखे जाते हैं पिछले सालों के, आपकी course reports देखे जाते हैं, promotion courses होते हैं, या आपके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, आपकी परफॉर्मेंसेज कैसी हैं, आपने क्या क्या किया, अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी, उसके हिसाब से एक बोर्ड बैठता है. वो बोर्ड आपका पूरा डाटा कंसिडर करके दैट बोर्ड रिकमेंड्स फॉर योर प्रमोशन फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल एंड लाइकवाइज एंड द हायर रैंक्स फ्रॉम कर्नल टू ब्रिगेडियर टू मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सो ऑन. अब क्योंकि आर्मी इज अ पिरामिड, टी पैसे ऊपर जाके एक ट्राइंगल बनता है, ऊपर सिर्फ एक ही है, दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. सो कर्नल के बाद धीरे 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 आपके लोग रिटायर होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज एज ऑफ रिटायरमेंट आर गिवन 52 ईयर्स, 54 ईयर्स, 56 ईयर्स, 58 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक यू रिटायर दैट वेयर. दैट इज एज फार एज रैंक स्ट्रक्चर इन आर्मी इज कंसर्न. इसमें एक चीज और बताता हूँ जो आजकल काफी चली हुई है, खासकर चंद्रहास विल एग्री विद मी एंड द एएफटी आल्सो. देयर आर सम ऑनररी रैंक्स व्हिच आर ग्रांटेड टू पीपल लाइक नायब सूबेदार. मैंने आपको जेसीओज में 3 रैंक बताए, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर. जेसीओज में नायब सूबेदार रैंक जो है, ही कैन बी अ, जेसीओ से पहले हवलदार आता है, हवलदार में ही कैन बी अ ऑनररी नायब सूबेदार. But this rank is granted to him only after retirement. During service, Hawaldar cannot be a honorary Naib Subedar. He can be promoted as a Naib Subedar, regular Naib Subedar, but he cannot be honorary Naib Subedar. Court ki intervention ke baad, aaj ki tarikh mein, jo bhi honorary Naib Subedar hai, he is getting pay, not pay, he is getting pension equivalent to that of a regular Naib Subedar. This has happened only after intervention by the court. Till Supreme Court it has attained finality. Ek subedar aur subedar major, they can be granted honorary commissions to the rank of honorary lieutenant or honorary captain or honorary subedar major as the case would be on depending on the merits and vacancies during service also and post retirement also. क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हम काफी सारी लिस्टें अखबार में पब्लिश होती है, उसमें पता चलता है कि फलाना फलाना ऑनरी लेफ्टिनेंट बन गया, फलाना फलाना ऑनरी कैप्टन बन गया, वो ऑनरी सूबेदार मेजर बन गया. दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मेरिट एंड व्हाट, देयर आर सो मेनी अदर क्राइटेरियाज आल्सो. अ सूबेदार और सूबेदार मेजर हु गेट्स प्रमोटेड, हु गेट्स ऑनरी, हु गेट्स अ कमीशन ऑफ लेफ्टिनेंट और कैप्टन ड्यूरिंग हिज सर्विस टेन्योर, ही गेट्स हिज पे
equivalent to that of a serving lieutenant or captain, but who gets his honorary rank after retirement. He does not get any such benefit, and he is just a honorarium granted to him by conferring him a rank of lieutenant or captain. गुड फॉर हेयर. वो बाकी आपको जिस दिन पेंशन वाला करूंगा उसमें बताऊंगा. अब आ गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इंडियन आर्मी का. इंडियन आर्मी में बेसिकली अगर हम अपने सादी लैंग्वेज में बात करें, पैदल सेना है, टैंक वाले हैं, तोपखाना है, मिसाइल्स हैं, बहुत कुछ है. सो पैदल सेना इज इन्फेंट्री. देन वी हैव माउंटेड. The infantry soldiers mounted on vehicles, tank type vehicles होती हैं जो उनको बोलते हैं mechanized infantry. Then we have armored corps, which is tank. All tanks are in the armored corps. Armored corps has also got 2 to 3 battalions, regiments, which are horse mounted. जैसे president bodyguard है, वो सब घोड़े पर सवार है. That is also part of armored corps. Then we have artillery. जैसे तोपखाना कहा जाता है. देन वी हैव एयर डिफेंस, जिसमें मिसाइल्स या एयर सेफ्टी आपकी जितनी भी है वो एयर डिफेंस वाले लुक आफ्टर करते हैं. फिर आते हैं इंजीनियर्स, जो ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, दाएं बाएं ये जितने काम है वो इंजीनियर्स के जुम्मे हैं. देन वी हैव सिग्नल्स. सिग्नल्स दे लुक आफ्टर टेलीकम्युनिकेशन पार्ट, जितने आपके रेडियो फ्रिक्वेंसीज, टेलीकम्युनिकेशन इधर उधर की, वो सब सिग्नल. ये मैंने जो आपको 5-6 बताई हैं, इन्फेंट्री, मैक इन्फेंट्री, आर्मर्ड आरटी, एयर डिफेंस, इंजीनियर, सिग्नल्स, दे आर आल्सो द व्हाट यू कॉल इट फाइटर आर्म्स. अब आती है आपकी सप्लाई वाले, जो जिसको आप सर्विसेज बोलते हैं. जनरली एएससी को हम कहते हैं आर्मी सप्लाई कोर. इट इज नॉट आर्मी सप्लाई कोर, इट इज आर्मी सर्विस कोर. They look after the supplies part in the army. Then we have Army Ordnance Corps. They are looking after the stores in the army. Army Medical Corps में doctors हैं, medical आपका सारा Army Medical Corps देखती है. Army Dental Corps में dental देखा जाता है. MNS Military Nursing Services में nursing आती है. Army Education Corps में education part देखा जाता है, जितना पढ़ाई लिखाई फौज में होती है. Then we have JAG branch, Judge Advocate General branch, which is looking after the legal aspects of the army. Similarly, police ke CMP hai, Corps of Military Police hai, ye aur bhi intelligence corps hai, army intelligence corps hai, aur is karan these are all services. Ab after that we come, jaise hum baat karte hain ki ye Sikh regiment hai, Dogra regiment hai, Punjab regiment hai, these are all part of infantry battalions. एक इन्फेंट्री मैंने आपको बताया पैदल सेना. इन्फेंट्री में कई सारी रेजिमेंट्स हैं. जब हम एक सिख पल्टन की बात करते हैं, एक सिख पल्टन इज अ बटालियन, हम एक सिख रेजिमेंट की बात करते हैं, एक सिख रेजिमेंट में कई सारी सिख बटालियन है. एक डोगरा रेजिमेंट है, उसमें सब डोगराज हैं, उसमें कई सारी बटालियन है. पंजाब रेजिमेंट है, कई सारी बटालियन है. एक पंजाब बटालियन, 3 पंजाब, उन सबको नंबर दे रखे हैं. 15 पंजाब, 23 पंजाब, 26 पंजाब, या जैसे अभी पैरा कमांडोज का आपको ज्यादा पता होगा, 4 पैरा, 9 पैरा, 10 पैरा, 17 पैरा, 18 पैरा, ऐसे कई सारी पैरा बटालियन है. बेसिक दिस इज अ सिख रेजिमेंट. सिख रेजिमेंट के आगे बटालियन. एक बटालियन में रफली जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 800 से 900 के हिसाब से लगाइए आप, किसी में ज्यादा किसी में कम. एक बटालियन में आगे 4 कंपनीज होती हैं और एक हेडक्वार्टर कंपनी होती है. हेडक्वार्टर कंपनी का काम है पूरा लुक आफ्टर करना आपका, जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन कह देते हैं, वो है हेडक्वार्टर कंपनी. बाकी 4 कंपनी, एक कंपनी में 3 प्लाटून होती हैं, एक प्लाटून में 4 सेक्शन होते हैं. इसके बाद हमारा कमांड स्ट्रक्चर क्या है मिलिट्री में. प्लाटून क्या होती है सर? सर एक कंपनी में, मैंने आपको एक बटालियन में 4 कंपनी, एक कंपनी में 3 प्लाटून होती हैं. प्लाटून लाइक इसके आगे 4 सेक्शन होते हैं, मैं नीचे से ऊपर चलता हूँ. एक प्लाटून में 4 सेक्शन होते हैं. 4 सेक्शन, एक सेक्शन में तकरीबन 12 से 14 जवान और एक एनसीओ होता है, सेक्शन कमांडर.
जो आपकी लाइन फॉर्मेशन जैसे भी आगे अटैक करता है जो, वो चार सेक्शन को कंट्रोल करता है पीछे से प्लेटून कमांडर, जिसके अंडर में चार सेक्शन आते हैं। प्लेटून को पीछे से कंट्रोल करता है कंपनी कमांडर, उस कंपनी कमांडर के नीचे तीन प्लेटून आती हैं। दिस इज बेसिकली अ बॉडी ऑफ जवान्स, लाइक सबसे छोटा एक यूनिट हो गया सेक्शन, देन प्लेटून उससे बड़ा, उससे बाद कंपनी, उसके बाद बटालियन। अब यहीं से मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। सेक्शन कमांडर जो होता है जनरली एक हवलदार या जेसीओ रैंक का होता है। प्लेटून कमांडर जनरली, आजकल तो ऑफिसर स्ट्रेंथ कम है वैसे, अदरवाइज ही शुड बी अ लेफ्टिनेंट और अ कैप्टन। आजकल जेसीओस भी, जूनियर कमीशन ऑफिसर, सूबेदार, नायब सूबेदार वगैरह भी प्लेटून कमांडर हैं। कंपनी कमांडर जनरली मेजर्स, इट हैज टू बी अ मेजर इनफैक्ट फील्ड ऑफिसर होता है, लेकिन आजकल कैप्टन को भी कंपनी कमांडर बनाया गया होता है। देन वी हैव कमांडिंग ऑफिसर जो बटालियन को कमांड करता है। अब यहाँ पे एक डाउट मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं, इन्फेंट्री में बटालियंस बोला जाता है, आर्टिलरी में रेजिमेंट बोला जाता है उसी चीज को, इंजीनियर्स में भी रेजिमेंट बोला जाता है। तो कमांडिंग, एक रेजिमेंट को जो कमांड करता है, जो कमांडिंग ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, वो होता है कर्नल रैंक का या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, कमांडिंग ऑफिसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बिकॉज जब भी आप मिलिट्री लॉ की बात करोगे, कोर्ट मार्शल होगा या प्रमोशन कहीं भी, कमांडिंग ऑफिसर जो वर्ड है, जो अपॉइंटमेंट है, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमांडिंग ऑफिसर इज वन हु इज कमांडिंग द यूनिट। इससे थोड़ा अलग हटके वर्ड है ऑफिसर कमांडिंग। ऑफिसर कमांडिंग इज अ टेम्पररी अपॉइंटमेंट, यानी वो पक्का कमांडिंग कमांडर नहीं है। टेम्पररली दैट जॉब हैज बीन असाइंड टू हिम, ही इज ऑफिसर कमांडिंग। कमांडिंग ऑफिसर इज अ परमानेंट इनकम्बेंट ऑन दैट पोस्ट। बटालियन कमांडर के ऊपर होता है ब्रिगेड कमांडर, ब्रिगेड कमांडर के बाद डिवीजन कमांडर, डिवीजन कमांडर के बाद आर्मी कमांडर, आर्मी कमांडर के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट है वो है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, इज द सुप्रीम कमांडर। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी लेवल, देन इज आर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु इज अ जनरल। उसके बाद पहले तो चार कमांड थी, फिर पांच हुई, आजकल मेरे ख्याल 9 या 10 कमांड हैं शायद। जैसे वेस्टर्न कमांड हमारे यहाँ चंडी मंदिर में है, ईस्टर्न कमांड कैलकाटा में है, नॉर्दर्न कमांड प्रोबेबली आजकल कहाँ है, चंद्रास को पता होगा। एनीवे ये कमांड्स हैं ऐसे, 8 रैंक है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में है, इनको जो कमांड करता है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का बंदा होता है, ही इज नोन एज आर्मी कमांडर हु इज कमांडिंग अ कमांड। इन जो 11 या 12 कमांड जो भी हमारी इंडियन आर्मी की हैं, इन्हीं में से जो नेक्स्ट चीफ की सिलेक्शन होती है जनरली। आर्मी कमांडर के नीचे मैंने आपको बताया डिवीजन कमांडर, जो एक डिवीजन होती है, डिवीजन जो कमांड करता है उसको बोलते हैं जीओसी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दैट पर्टिकुलर डिवीजन, ही इज ऑफ अ रैंक ऑफ मेजर जनरल। इसके बाद ब्रिगेड कमांडर, ब्रिगेड आती है उसमें, ब्रिगेड्स को कमांड करते हैं ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर। नीचे मैंने आपको बताई दिया कर्नल, बटालियन कमांडर हो गए, कंपनी कमांडर, मेजर हो गए, लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 IC वगैरह होते हैं जो सेकंड इन कमांड। जैसे कर्नल एक यूनिट को कमांड करता है, उसका सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का होता है। ये मैंने आपको एक ब्रॉडर आइडिया दिया कि आर्मी का सेटअप क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे काम करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक मिलिट्री लॉ। मिलिट्री लॉ में जनरली जो कोर्ट की इंटरवेंशन है, जनरली कोर्ट्स, चाहे अभी वो आर्मी ट्रिब्यूनल है, चाहे पहले हाई कोर्ट था या सुप्रीम कोर्ट, जो भी है, जनरली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करती थी ये कह के कि यार डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अगर फौज का डिसिप्लिन खराब गया तो क्या होगा। सो आई जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस दिस। टू फैक्टर्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर आर्म्ड फोर्सेस आर एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन। Without offending the recognized principles of democracy,
or the constitution. Military law is a system evolved to attain the same by enforcing a particular degree of behavior among the members of the armed forces. The requirement of a special code for the armed forces need no emphasize because of its solemn and supreme role to defend the nation in time of war and maintain internal harmony in the country during all kinds of natural or other calamities. तीनों जो विंग है हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स इन तीनों के अलग अलग कानून है आर्मी एक्ट अलग है नेवी एक्ट अलग है एयरफोर्स एक्ट अलग है बट जनरली ब्रॉडली 90-95% सेक्शंस उनकी भाषा लैंग्वेज तकरीबन सेम है जनरली सेम है क्योंकि वो हवा में काम करते हैं थोड़ा बहुत अलग हो गई होगा वो पानी में काम करते हैं थोड़ा बहुत अलग हो गई होगा उतना फर्क है जनरली अदरवाइज इट इज सेम The object of military law is to provide for the maintenance of good order and discipline among the members of the armed forces and in certain circumstances among others who live or work with them. And in certain circumstances among others who live or work with them. अब ये लाइन इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि कई जगह जैसे हम लेह लद्दाख की बात करें विशाल के पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं आर्मी सर्विस कोर है वो सप्लाईज ऊपर तक पहुंचाते जहां तक सड़कें नहीं बनी हुई तो आर्मी म्यूल्स का पोर्टर्स का इस्तेमाल करती है अब ये जो पोर्टर्स हैं ये तो सिविलियंस हैं ये आर्मी के तो लेबर है नहीं बट ऐसी सिविलियंस जैसे आपके आर्मी हेडक्वार्टर में क्लरिकल ट्रेड्स में किसी बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स में और हैं साइंटिस्ट हैं अब जो ये सिविलियंस हैं ये ड्यूरिंग द टाइम दे आर वर्किंग विद द आर्मी ऑन ऑपरेशनल ड्यूटीज दे आर बाउंड And they come under the Army Act. इनकी service condition जो है CCS rule से चलेंगी But as far as maintenance of good order and discipline is concerned, they do fall under the jurisdiction of Army Act. एक और चीज मैं यहाँ बताऊंगा military law और martial law. एक query आई थी बहुत देर पहले के साहब मिलिट्री लॉ वहां तो जी मिलिट्री लॉ मेरे को आता नहीं मेरे तो आप मार्शल लॉ समझाओ मार्शल लॉ क्या होता है मिलिट्री लॉ और मार्शल लॉ टोटली दो अलग अलग टर्म्स है दे आर नीदर सिनोनिमस नॉर कन्वे द सेम मीनिंग अगर मैं प्लेन शब्दों में कहूँ तो मार्शल लॉ मीन्स द सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस Military law is a code enacted by the parliament to regulate the conduct of the members of the armed forces. अगर आपका पूरा कुछ कानून व्यवस्था फेल हो गई है आपके देश में तो मार्शल लॉ लगाया जाता है उसको कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए जबकि मिलिट्री लॉ जो है वो आपके जो हमारे अंदर फौजी काम कर रहे हैं उनके लिए उनके एक्ट एंड कंडक्ट के लिए वो मिलिट्री लॉ उसको बोलते हैं Now comes in a debatable point, though now it's well settled. लेकिन अभी ये अपने हाई कोर्ट मान रहे हैं पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट्स एवरी हाई कोर्ट एंजॉय सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स थ्रू आउट इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हाउएवर दिस पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन हाई कोर्ट्स ओवर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द आर्म फोर्सेस ये आर्टिकल 227 है मैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ रहा हूँ आर्टिकल 227(4) है शायद जिसमें आर्टिकल 227 कहता है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट और इसका सब सेक्शन सब का चार कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू कन्फर ऑन अ हाई कोर्ट पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस over any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces pichle saal november se pehle tak armed forces tribunal ka koi bhi faisla jo hota tha wo hum high court mein nahi challenge kar sakte the hum log supreme court jate the lekin november december i think 14 december ko judgment aayi thi ya 14 november ko aayi thi ke एल चंद्र कुमार वाली जजमेंट जो कैट के डिसीजंस में आई थी उसके हिसाब से एएफटी की जो जजमेंट है
वो आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उस जजमेंट में ये कह दिया गया था कि इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू सी टू अमेंड द प्रॉपर लॉज. बट देन वी गॉट अ जजमेंट दिस ईयर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि AFT की जो जजमेंट्स हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के बजाय आप हाई कोर्ट में भी उनको चैलेंज कर सकते हैं. सो अब हाई कोर्ट में ये चैलेंज होने शुरू हो गई हैं, एंड वन ऑफ माय केस हैज बीन डिसाइडेड समवेयर इन मार्च, दिस मार्च, वेयर हाई कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दैट एंड डिसाइडेड द केस व्हिच वाज डिसमिस्ड बाय AFT. अब सुप्रीम कोर्ट आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट प्रोवाइड करता है सेक्शन 30 और 31 है कि जहां पे उसकी जजमेंट के खिलाफ डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में लाई करती है आफ्टर ऑब्टेनिंग लीव टू अपील. बट आर्टिकल 136 ये समहाउ इट इज कॉन्ट्रेरी टू दैट, बट इन एनी केस आई विल जस्ट रीड. सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कन्फर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रिशनरी पावर्स टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट डिक्री determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. Even this power of Supreme Court is not applicable to any court or tribunal consisting by, constituted by or under any law relating to the armed forces. Article 136 ka sub section 2 hai. Nothing in clause 1 shall apply to any judgment, determination, sentence or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces. That is why special leave to appeal ke liye unhone bola hua hai AFT act mein bhi ki aap leave to appeal apply karoge fir aap supreme court ja sakte hain. But since abhi to jurisdiction high court ki aa gayi hai to isme zyada problem aayegi. Then I said, President is the supreme authority. In regard to the members of armed forces, the presidential pleasure which governs the service is unrestricted, whereas in relation to persons holding civil posts, it is subject to several constitutional restrictions. Every person subject to the act holds office during the pleasure of president, who may dismiss or remove him from service without assigning any reason. इतनी clear power president को दे रखी है any person under him, army, navy, air force में any rank, any person without assigning any reason, उसको president के पास इतनी power है he may dismiss him or remove him from service. And this cannot be questioned. अब जस्टिस मिलिट्री में जस्टिस कैसे मिलता है? The entire process of military justice from investigation to award or execution of sentence is usually completed with speed. As compared to civil, military discipline requires quick disposal of offenders. The judicial procedures in the army are designed to ensure speedy, oblique, fair justice and have all the salutary features of civil code of criminal procedure. The justice is dispensed through different kinds of military tribunals vested with varying powers. An unbiased law governing the authorities competent to deal with offenders, constitutions of court martial and the conduct of its proceedings is contained in the act. In addition to certain special provisions as to evidence under the act, the evidence tendered before a court martial is governed by the Indian Evidence Act. However, the powers of adjudication are vested in officers only. The members of a court martial are empowered to judicial notice without formal proof of any matter which they may be reasonably be expected to know as officers. An offender is permitted to engage a civil counsel of his choice at his own expense and is also provided the services of a defending officer at state expense. For an offense punishable with death, certain amount of fees to advocate is payable by the state also. Except in the case of summary court martial, the finding, including that of not guilty and sentence of all kinds of court martial, are announced as subject to confirmation.
ये डिटेल में मैं आपको थोड़ी देर उसके बाद में कवर करूंगा कि टाइप्स ऑफ कोर्ट मार्शल्स कैसे होते हैं। कोर्ट मार्शल क्या होता है पहले उस पर आते हैं। अ कोर्ट मार्शल कन्वीन्ड अंडर द आर्मी एक्ट इज नॉट अ पोर्शन ऑफ नेशनल जुडिशरी एंड इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द कोर्ट्स व्हिच द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑर्डेन और एस्टैब्लिश। नो डाउट court martial is not a court in the legal sense and has no common law powers, but at the same time it exercises powers vested by an express statute and by military usages and empowered to award a sentence of death also. Being an agency of executive power, it has no relations with the judicial establishments of the country, but keeping in view its functions of adjudication in accordance with the established norms of judicial process. A court martial is fully a court of law and justice like any other civil tribunal. As a court of law, a court martial is governed by all the cardinal fundamental principles of judiciary. The distinguished feature, however, is that a court martial is only a criminal court and does not enjoy any civil jurisdiction. It has no powers to award damages or enforce a contract. Once a charge is proved, the function of a court martial is to inflict punishment, which evidently is not a civil verdict. तो इसलिए court martial को हम court ना होते हुए भी court है, because criminal court है, civil का इसके पास कोई भी jurisdiction अधिकार क्षेत्र नहीं है। अब जो military में, ये तो नहीं court martial की बात, अब military में जो offender है वो क्या, barring a few cases under certain conditions, a person subject to act who commits an offense is always liable to be tried by military authority or military tribunal. Military tribunal yahan matlab court martial. It is only in the case of an offense of murder against a person not subject to military, naval or air force law, or of culpable homicide not amounting to murder against such a person, or of rape in relation to such a person, that the military offender cannot be tried by court martial. अब एक आर्मी के जवान ने किसी सिविलियन का मर्डर कर दिया या कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सिविलियन या रेप किसी सिविलियन का, उस कंडीशन में ही कैन नॉट बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल। लेकिन सिर्फ एक लेकिन है, किंतु परंतु सिर्फ एक है, अगर ये कार्रवाई एक्टिव सर्विस में हुई है, एक्टिव सर्विस मीन जैसे जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे या किसी फील्ड एरिया में, या जो एरिया को एक्टिव सर्विस एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, या फॉरेन पोस्टिंग कोई भी हो, तो उसका ट्रायल आर्मी एक्ट के अंडर हो सकता है। In cases of civil offences committed by persons subject to military law, or when a criminal court and court martial have each jurisdiction in respect of an offence, the first discretion before which court the proceedings against the military offender be instituted rests with the military authorities. अब जैसे आर्मी वाले कुछ गए, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया उनका, अब डिसिप्लिन खराब हुआ, किसी को चोटें भी आई हैं, कुछ भी हुआ, एक केस भी दर्ज हो गया, सब कुछ हो गया, सो जो पहला अधिकार क्षेत्र उसमें सिविल कोर्ट भी एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है, आर्मी भी अपने कार्रवाई कर सकती है, लेकिन पहला अधिकार क्षेत्र एक आर्मी पर्सनल को ट्राई करने का मिलिट्री अथॉरिटीज के पास होएगा। हाउएवर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट मार्शल टू ट्राई अ प्योरली मिलिट्री ऑफेंस इज एक्सक्लूसिव। दिस फीचर ऑफ ट्रायल बाय वन्स कॉमरेड एग्जिस्ट प्राइमरली बिकॉज ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, convenience, expeditious disposal and better understanding of the offense as well as the offender from military viewpoint. Based upon their knowledge of like experience, the constituents of military judiciary are also in a better position to assess the adequacy of the award of punishment. एक तो सिविल में बहुत टाइम लगता है सजा ट्रायल चलने में, सजा होनी या नहीं होनी जो भी कुछ होएगा, आर्मी में कोर्ट मार्शल फटाफट चलता, जल्दी से जल्दी ट्रायल होता है, जल्दी से उसमें
एडजर्नमेंट्स नहीं होती हैं, जस्टिस डिले नहीं होता, जस्टिस होता या नहीं होता दैट इज डिबेटेबल, बट जस्टिस डिले नहीं होता। अब एक कैटेगरी और आती है कि कोई बंदा रिटायर हो गया, ही वॉज इन मिलिट्री लेकिन वो रिटायर हो गया, उसका क्या? अ पर्सन हु हैज सीज्ड टू बी सब्जेक्ट टू द एक्ट बाय रीजन ऑफ हिज रिटायरमेंट और अदरवाइज रिमेन द सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट फॉर ट्रायल बाय कोर्ट मार्शल फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम व्हाइल इन सर्विस। इसकी लिमिटेशन क्या है? द ट्रायल इन सच केसेस मस्ट कमेंस विद इन थ्री ईयर्स आफ्टर ही हैज सीज्ड टू बी सब्जेक्ट टू दिस टू द एक्ट। This stipulation is not applicable for offences of desertion, fraud and desertion in bhagoda, fraudulent enrollment or mutiny. Mutiny gadar, fraudulent enrollment jhoot bol ke bharti hua ho. In cases the court martial never loses jurisdiction to try the offender. Bhagoda hone mein, fraudulent enrollment mein ya gadar mutiny mein jurisdiction kabhi khatam hoti hi nahi court martial ki, jab marzi kar sakte ho. A person awarded imprisonment by a court martial or death sentence, the act shall remain applicable to him during the term of imprisonment or till the sentence of death is carried out. Court martial ne ek bande ko 2 saal 5 saal 10 saal saza de di, death sentence de diya, jab tak wo sentence khatam nahi ho jata, 2 saal 4 saal 6 saal jail mein pure nahi ho jate, death sentence execute nahi ho jata, that person will remain subject to Army Act. अब आ गई अपील। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट जो आया 2009 में आया, 2009 से लागू हुआ, इसके पहले तक एक्ट 2007 का है लेकिन 2009 से शुरू हुआ वो काम, इसके पहले कोई भी ट्रिब्यूनल, कोई भी एपलेट कोर्ट या एपलेट अथॉरिटी कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था। सिर्फ कोर्ट मार्शल के खिलाफ क्या होता था, वी कुड एनी एक्यूज्ड और कन्विक्टेड पर्सन कुड फाइल अ प्री कन्फर्मेशन और पोस्ट कन्फर्मेशन पटिशन एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 ऑफ द आर्मी एक्ट। वो पटिशन भी उसकी आर्मी अथॉरिटीज के पास जाती थी, एट द मोस्ट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जाती थी, जो invariably 90% cases में उसको खारिज कर दिया करते थे। उसके बाद बंदा हाई कोर्ट में जाता था, हाई कोर्ट में जनरली कोर्ट मार्शल्स में कोई इंटरफियर नहीं करता था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसिप्लिन एंड कॉमरेडशिप एंड ऑल दोस थिंग्स, कि फौज का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। और जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केम बाय द नेम ऑफ प्रितपाल सिंह बेदी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में गवर्नमेंट को बोला कि कुछ ना कुछ तो इनको एपलेट बॉडी कोई ना कोई तो दी जाए जो इनका इंडिपेंडेंटली कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग को असेस करके एक एपलेट अथॉरिटी इनको दी जाए। उसके बाद 2007 में ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का एक्ट पास हुआ, 2009 से ये लागू हुआ। अब कोर्ट मार्शल की जो अपील है वो पहले आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाती है। ड्यूरिंग सर्विस किसी आर्मी बंदे का कोर्ट मार्शल ना हुआ, किसकी प्रमोशन नहीं हुई, किसी को फैमिली क्वार्टर नहीं मिला, किसी को छुट्टी नहीं मिली, वो किसी भी चीज से अगर दुखी है, एक सर्विंग सोल्जर, जरूरी नहीं कि कोर्ट मार्शल के, एक सर्विंग सोल्जर किसी भी चीज से दुखी है तो ही हैज गॉट रेमेडी ऑफ फाइलिंग पटिशन अंडर आर्मी रूल 26 एंड 27। Then reviewing authorities हैं, revision of sentence है, remissions हैं 179 में। एक लास्ट में मैं आपको, इससे पहले कि मैं आपको कोर्ट मार्शल समझाऊं, एक लास्ट में आपको एक और चीज बता सकता हूं कि बगैर कोर्ट मार्शल के भी हम पनिशमेंट किसी ना किसी ऑफेंडर को हम दे सकते हैं। आर्मी एक्ट में ये भी प्रावधान है, person subject to the act can be punished for offences committed by them
without the intervention of court martial. वो कैसे? Such a procedure is commonly referred to as summary trial or summary disposal. This is given in Army Act 79, Army Act 80, Army Act 83 to 85. The officer who disposes of the case summarily is neither a court nor does the Indian Evidence Act apply to such proceedings. Further, unlike court martial, the offender has no right to be represented by a counsel oblique defending officer or even assisted by a friend. The witnesses are not sworn oblique affirmed, but the accused has full liberty to cross-examine them and call any witness in his defense or to make any statement. An offender under the Act can be punished otherwise than by a court-martial, summarily by the commanding officer, by brigade commander and others, or by area commander and others. So, jaruri nahi ki court-martial ji aapko punishment milni hai, lekin haan, ye hai ki summary trial mein स्केल ऑफ पनिशमेंट दिया गया है कि उससे ज्यादा आप पनिशमेंट नहीं दे सकते. अगर इससे ज्यादा पनिशमेंट देनी है तो आपको कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा. नाउ आई कम टू कोर्ट मार्शल्स. कोर्ट मार्शल कितनी तरीके के हैं? चार तरह के कोर्ट मार्शल हैं आर्मी में. आर्मी में भी हैं, सेम एयरफोर्स में, सेम नेवी में, और सिमिलर प्रोविजंस एग्जिस्ट इन सीआरपीएफ एक्ट, बीएसएफ एक्ट, आईटीबीपी एक्ट. इनके जो पैरामिलिट्री के हैं उनमें भी सिमिलर तरह के कोर्ट मार्शल हैं. हमारे यहाँ आर्मी में इसको समरी कोर्ट मार्शल जैसे कहा जाता है, उसमें समरी फोर्स कोर्ट कहा जाता है. बाकी प्रोविजंस जनरली सेम है. आर्मी में चार तरह के कोर्ट मार्शल हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में. सबसे छोटा समरी कोर्ट मार्शल, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, फिर जनरल कोर्ट मार्शल, फिर समरी जनरल कोर्ट मार्शल. आज थोड़ा ब्रॉडली बताऊंगा मैं आपको समरी कोर्ट मार्शल क्या. समरी कोर्ट मार्शल में हम जो ट्रायल करते हैं वो सिर्फ सिपाही का या एनसीओज का, सिपाही, नायक, हवलदार या लांस नायक या लांस हवलदार, इन का ही ट्रायल हम समरी कोर्ट मार्शल में कर सकते हैं और किसी का नहीं कर सकते, किसी भी रैंक का. समरी कोर्ट मार्शल में मैक्सिमम सजा 3 महीने से लेकर 1 साल तक की दे सकते हैं. इससे ज्यादा सजा समरी कोर्ट मार्शल में नहीं दे सकते. इससे ज्यादा सजा देनी है तो उसका जनरल कोर्ट मार्शल हो. देन वी कम टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, डीसीएम. डीसीएम में 2 साल से कम सजा अगर किसी को देनी है, सिपाही से लेकर हवलदार तक, तो उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल किया जाता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल जनरली पीस एरिया में किया जाता है. समरी कोर्ट मार्शल आप पीस में भी कर सकते हैं, फील्ड में भी कर सकते हैं. तीसरी तरह का कोर्ट मार्शल आता है जनरल कोर्ट मार्शल. जनरल कोर्ट मार्शल में किसी का भी कोर्ट मार्शल हो सकता. एनी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे सिपाही तक, किसी का भी कोर्ट मार्शल जनरल कोर्ट मार्शल में हो सकता. कोई भी पनिशमेंट वो दे सकते हैं, जो भी पनिशमेंट प्रोवाइडेड आर्मी एक्ट में, छोटी से लेकर डेथ सेंटेंस तक कोई भी पनिशमेंट जनरल कोर्ट मार्शल दे सकता. इसके साथ है समरी जनरल कोर्ट मार्शल. जैसे फील्ड एरिया में अगर हमने करना हो, जहां पे सब सुविधाएं नहीं होती, तो वहां पे समरी जनरल कोर्ट, कुछ इसमें से जो प्रोसीजर्स हैं वो कर्टेल कर दिए जाते हैं जनरल कोर्ट मार्शल के फील्ड एरिया में, तो वहां उसको समरी जनरल कोर्ट मार्शल का नाम दिया जाता है. बाकी सब उसकी जो पावर्स हैं, जुरिस्डिक्शन है, वो सब सेम रहती है. समरी जनरल कोर्ट मार्शल सिर्फ फील्ड एरिया में होता है, जनरल कोर्ट मार्शल पीस एरिया में होता. ये छोटी सी बैकग्राउंड के बाद मैं आपको बताता हूं कि होता क्या, फौज में सजा कब और कैसे मिलती है. कोई भी गड़बड़ हुई फौज में, कुछ भी हुआ, सबसे पहले तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है?
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक ऑफिसर या दो ऑफिसर या तीन ऑफिसर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, एक तीन लोगों की, दो लोगों की या वन मैन या 5% कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक बॉडी ऑफ ऑफिसर या जेसीओ और जो भी है, और बॉडी ऑफ पर्सन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, इट इज अ फॉर्मल फैक्ट फाइंडिंग बॉडी व्हेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन इज एन अननोन और अ डाउट एग्जिस्ट अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज असेंबल्ड टू इन्वेस्टिगेट और असर्टेन इन टू द लैप्सिस विच इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्मी रूल 177-184. यहाँ पर हम सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं, जैसे कोई शॉर्टेज हो गई कहीं पे, कोई सामान चोरी हो गया, कोई सामान कम हो गया, ज्यादा हो गया, किसी ने किसी को गाली निकाल दी, इनसबॉर्डिनेशन हो गई, जहाँ पे हमारे को एक सिचुएशन का पता करना कि ये सिचुएशन कैसे डेवलप हुई, क्या हुआ, एक फैक्ट्स पता करने हैं, तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है आर्मी रूल 177 से लेकर 184 तक उसके प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बड़ा ध्यान रखने वाली बात है आर्मी रूल 180 ये कहता है कि जब भी किसी भी एक्यूज्ड का कोई अगर करेक्टर या मिलिट्री रेपुटेशन, जैसे मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा, संदीप बंसल पे इल्जाम लगा कि मैंने फलानी जगह 10 किलो आटा आया था, उसमें से 3 किलो आटा मैंने अपने पास रख लिया जी, 7 किलो आटा मैंने बाहर निकाला, तो उसमें मेरा नाम आ रहा है, तो आर्मी रूल 180 ये कहता है कि अगर मेरा नाम उस इंसिडेंट में आ रहा है तो आई शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द इंक्वायरी। कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो मैं वहां पे, मेरी हाजिरी जरूरी है, कोई भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की होगी तो मेरी हाजिरी वहां पे जरूरी है, एंड आई शुड बी गिवन फुल लिबर्टी टू एग्जामिन एंड क्रॉस एग्जामिन एनी ऑफ द विटनेसेस विच आर एग्जामिन्ड बाय द दैट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी द सेट ऑफ ऑफिसर्स। अगर आर्मी रूल 180 कंप्लाई विद नहीं होता ये, तो एंटायर प्रोसीडिंग्स, चाहे उसका कोर्ट मार्शल भी हो चुका हो, तो वो सेट असाइड हो सकती हैं, ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट आ गई, फाइंडिंग आ गई, उसका ओपिनियन आ गया, रिकमेंडेशन आ गई, डायरेक्शन आ गई कि भैया ये जो कुछ हुआ था ऐसा ऐसा हुआ, तो उसके ऊपर सुपीरियर ऑफिसर डायरेक्शन देता है कि भाई ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, अभी आपने ये करना। उसके बाद डिसिप्लिनरी प्रोसेस जो शुरू होता है वो शुरू होता है आर्मी रूल 22। Disciplinary process under the Army Act commences with the Army Rule 22, which lays down that every charge against a person subject to the Army Act shall be heard by his commanding officer in the presence of the accused. The accused shall have full liberty to cross-examine any witness against him and to call such witness and make such statement as may be necessary for his defense. This is again a mandatory requirement, and its non-observance vitiates any subsequent disciplinary proceeding. However, ek kintu hai isme, however, where the charge against the accused arises as a result of investigation by a court of inquiry, wherein the provisions of Army Rule 180 have been complied with in respect of that accused, the commanding officer may dispense with the procedure as prescribed in Army Rule 22, sub-rule 1, insofar as it relates to calling and hearing of the witness. अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेम इंसिडेंट का, आपका आर्मी रूल 22 भी सेम इंसिडेंट के लिए हो रहा है, आर्मी रूल 180 कंप्लाई विद कर दिया आपने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, तो आर्मी रूल 22 में प्रोसीडिंग्स में आपको वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था कमांडिंग ऑफिसर, ऑफिसर कमांडिंग, द थ्रेशोल्ड ऑफ एवरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कमांडिंग ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। He is the officer appointed to command a regiment or battalion or a separate unit in the army who exercises command over all officers, junior commissioned officers and other ranks serving therein under him. He is the person who has jurisdiction to initiate the disciplinary proceedings against a person serving under his command. Commanding officer ki jo definition hai wo section 3 subsection Roman 5 army act mein de rakhi hai. आर्मी नेवी एयरफोर्स में देयर इज नो पर्सन हु इज विदाउट अ कमांडिंग ऑफिसर।
every person has got a commanding officer. अटैचमेंट में आपको अभी अटैचमेंट की प्रोविजन दे रखी है, जैसे मैं फिर अपनी सेल्फ एग्जांपल देता हूँ, मैं असम में पोस्टेड हूँ, मैं चंडीगढ़ चंडी मंदिर में आ रखा हूँ ड्यूटी पे या छुट्टी पे जो भी है, ड्यूटी पे आ रखा हूँ मैं चंडी मंदिर पे, चंडी मंदिर पे मेरे से कोई गलती हो जाती है तो जरूरी नहीं कि मेरे को वापस मेरी यूनिट में भेजा जाए, वहां पे मेरा कमांडिंग ऑफिसर मेरा ट्रायल करेगा, नहीं। चंडी मंदिर में भी मेरे को अटैच किया जा सकता है किसी भी यूनिट के साथ, वो जिस यूनिट के साथ मेरे को अटैच किया जाएगा उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है वो मेरा कमांडिंग ऑफिसर बन जाएगा। ये पैरा 453 डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस में दिया गया है, इसको ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करूंगा। आई एम कमिंग बैक टू आर्मी रूल 22 जहां से हमारी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। आर्मी रूल 22 की प्रोसीडिंग्स करने के बाद अगर कमांडिंग ऑफिसर ये देखता है कि इसका ये कोई चार्ज बनता है तो ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता देन ही कैन ऑर्डर रिकॉर्डिंग ऑफ समरी ऑफ एविडेंस, जिसको हम SOE बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू व्हाट इज देयर इन द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बट द कमांडिंग ऑफिसर हैज गॉट पावर टू गेट द समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्डेड अगेन अंडर प्रोविजंस ऑफ आर्मी रूल 23। समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है वो भी, उसके लिए भी एक ऑफिसर डिटेल्ड होता है, वो रिकॉर्ड करता है सारे विटनेसेस को बुलाता है सारा कुछ, सेम प्रोसीजर जैसा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में होता है वैसे समरी ऑफ एविडेंस में भी होता है। समरी ऑफ एविडेंस की पूरी रिपोर्ट तैयार करके ही गिव्स दैट रिपोर्ट बैक टू द कमांडिंग ऑफिसर। आर्मी रूल 24 में कमांडिंग ऑफिसर के पास 3 ऑप्शंस है, वो समरी ऑफ एविडेंस पढ़ के या तो एक्यूज्ड को सीधा रिमांड कर सकता है भैया इसका तो कोर्ट मार्शल होएगा। सेकेंड ऑप्शन उसके पास ये है कि वो अपनी सुपीरियर अथॉरिटी के पास वो केस रेफर कर सकता है कि जी आप बताइए इसमें क्या करें। तीसरी ऑप्शन इसके पास ये है कि अगर वो सोचता है कि यार ये हो भी सकता नहीं हो सकता, चलो इस केस को मैं दोबारा सुनता हूँ आर्मी रूल 22, ही कैन रीहेयर द केस और ही कैन ईदर डिसमिस द चार्ज और डिस्पोज इट ऑफ समरीली, यानी कोर्ट मार्शल नहीं करेगा, कोई छोटी मोटी सजा 14 दिन की आ रही दे दी, 28 दिन की आ रही दे दी, उसका पे फाइन लगा दिया, कुछ भी लगा दे, छोटे मोटे उसके सजा दे के उसको छोड़ भी सकता। दैट इज आर्मी रूल 24। उसके बाद जब कोर्ट मार्शल के लिए उसको रिमांड करता है देन ही हैज टू गिव हिज ओपिनियन कि मैंने कौन सा कोर्ट मार्शल करना, समरी कोर्ट मार्शल करना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल करना, जनरल कोर्ट मार्शल करना, क्या करना मैंने, उसका ज्यूरिसडिक्शन उसका सब कुछ प्रोवाइडेड है। SCM के लिए उसको कोई उसकी जरूरत नहीं होती परमिशन की, कमांडिंग ऑफिसर इज कॉम्पिटेंट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल GCM ही इज टू रेफर द एंटायर केस टू द सुपीरियर अथॉरिटी, वहां से परमिशन आती है, चार्जशीट अप्रूव होकर आती है, उसके बाद होता। आज मैं सिर्फ समरी कोर्ट मार्शल की बात करूंगा। सेक्शन 116 आर्मी एक्ट का डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ समरी कोर्ट मार्शल, और सेक्शन 120 आर्मी एक्ट डील करता है उसकी पावर्स क्या है समरी कोर्ट मार्शल की। समरी कोर्ट मार्शल कैन ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ऑफिसर JCO और वारंट ऑफिसर। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सिपाही से लेके हवलदार तक को ये ट्राई कर सकते हैं समरी कोर्ट मार्शल में। इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 34, 37 एंड 69, ये 3 सेक्शन के अंडर, एंड ऑफेंस अगेंस्ट द ऑफिसर होल्डिंग द कोर्ट, अ रेफरेंस इज टू बी मेड टू द हायर अथॉरिटीज अंडर सेट सेक्शन। अगर ये सेक्शन 34 का कोई चार्ज है, 37 का या 69 का चार्ज है, या अगेंस्ट कमांडिंग ऑफिसर कोई चार्ज है, तब रेफरेंस जो है हायर अथॉरिटी को देनी पड़ेगी, उस मामले में CO समरी कोर्ट मार्शल नहीं कर सकता। प्रोसीजर जो दिया है समरी कोर्ट मार्शल का, मैं वो
दे रखा आर्मी रूल 106 से 133 तक, वो आप पढ़ लीजिए, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। आर्मी रूल 106 टू आर्मी रूल 133 समरी कोर्ट मार्शल का क्लियर कट प्रोसीजर दे रखा है। इसमें जरूरी एक दो चीजें हैं जो ज्यादा हम लोग फंसते हैं, क्योंकि आर्मी समरी कोर्ट मार्शल में जनरली 90-95% केसेस में ये रिकॉर्ड होता है कि एक्यूज ने गिल्टी प्लीड करा, धक्के से प्लीड गिल्टी करवा लिया जाता है ताकि खत्म हो जाए काम जल्दी जल्दी, कोई विटनेस एग्जामिन नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उस पर जजमेंट्स किसी टाइम में दे भी सकता हूँ। इन केस ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी द प्रोविजन ऑफ आर्मी रूल 116 आर टू बी फॉलोड विच प्रोवाइड दैट कोर्ट शेल रीड द समरी ऑफ एविडेंस एंड इफ देयर इज नो समरी ऑफ एविडेंस देन इट शेल रिकॉर्ड सफिशियंट एविडेंस टू डिटरमिन सेंटेंस। इट हैज बीन फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड, ये बड़ा जरूरी है, it has been further provided that if from the statement of the accused or from the summary of evidence or otherwise it appears to the court that the accused did not understand the effect of his plea of guilty, then the court shall alter the record and enter a plea of not guilty and proceed with the trial accordingly. Court ko dekhna hai, usne apni satisfaction record karni hai, एक्यूज्ड के साइन भी कराने के, भैया तूने प्लीड गिल्टी करा, वाकई तेरे को समझ आ गया जो तूने बोला। कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करेगा कि हाँ मैंने इसको बताया, इसको समझ आ गया और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये समझ गया कि गिल्टी प्लीड करेगा तो उसका ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। आई थिंक दिसंबर 2015 या 2016 में शायद एक जजमेंट जो साउथ से जज साहब आए थे, बजंत्री साहब ने एक जजमेंट दी है बड़ी अच्छी। मेरे केस में एक्यूज ने प्लीड गिल्टी करा, उसके साइन भी हो रखे थे कोर्ट मार्शल के कागजों में कि मेरे को प्लीड गिल्टी की समझ आ गया, मैंने अपनी मर्जी से करा, मेरे को सब पता चल गया। सीओ ने साइन भी करे हुए थे अपने, बट द कमांडिंग ऑफिसर हैड नॉट रिकॉर्डेड हिज सेटिस्फेक्शन कि हाउ ही इज सेटिस्फाइड कि ये प्लीड गिल्टी ठीक है या नहीं है। उस बात पर वो एंटायर कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स वर सेटिस्फाइड and that order is attained finality. The judgment was titled Sukhdev Singh versus Union of India criminal writ petition hai, 2017 mein decided hai. Court martial AFT mein challenge nahi hota wo, uska main aapko ek briefly last mein armed forces tribunal mein kya kya jayega ya nahi jayega uska 5 minute last mein lagaunga. Nahi, hum to ye kehte hain ki aapka session lamba hai, isko baki sara bhi hame samjhao, chahe kal kar do, yani continue. हाँ कल कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं। I'm not saying finish today, but I'm saying नहीं कल कर दूंगा, आज भी मैं कर सकता हूँ लेकिन थक जाऊंगा बोलता बोलता। तो फिर आप यहाँ पे कल कर ले continue। हाँ नहीं नहीं ये वाला खत्म कर लें दो मेरे को, क्योंकि आपके सवाल बहुत सारे हैं। जी जी भैया आइए, कॉल ज्यादा हो गई है, चलो 5 मिनट और। हाँ जी, लिमिटेशन का मैंने आपको बता दिया, 3 साल का है। सेक्शन 122 आर्मी एक्ट प्रोवाइड फॉर द लिमिटेशन ऑफ ऑफेंस। Section 130 provides an opportunity to challenge the members of general and district court martial. Section 72 provides that the punishment should commensurate with the nature and degree of the offense. Section 133 provides that all provisions of Indian Evidence Act shall apply to all proceedings before court martial. Army Rule 6 provides that in case something is not provided in the army rules, then the action as it appears to be just can be taken. ठीक है साहब, ये था मोटा मोटा इसका। अब आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट का मैं आई जस्ट टेक 2-3 मिनट्स बिकॉज वो जरूरी है, क्योंकि कोर्ट मार्शल की बात है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में दो चीजें सिर्फ कवर करूंगा आज। एक इज आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में मैटर क्या क्या जाते हैं, AFT एक्ट जो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दे रखी है, 3O is important. Army AFT Act, I'll refer it to Armed Forces Tribunal Act, Section 3, Subsection O. Service matter की definition उसमें दे रखी है, उसमें आपकी pay and allowances, pension, retirement benefits, tenure, commission, appointment, enrollment, probation, summary, disposal and trials, where the punishment of dismissal is awarded. अगर बंदा dismissal हुआ तो ही जाएगा वहां पे।
एनी अदर मैटर व्हाट्स एवर, कौन से मैटर नहीं जाते वहां पे, तीन या चार तरह के मैटर जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में नहीं जाते। सबसे पहला ऑर्डर इश्यूड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द आर्मी एक्ट, ट्रांसफर मैटर एएफटी में नहीं जाएगा, पोस्टिंग मैटर एएफटी में नहीं जाएगा, लीव छुट्टी मिली नहीं, मेरे को छुट्टी नहीं मिली जी, मेरे को ज्यादा छुट्टी मिल गई जी, मेरे को कम छुट्टी मिल जाएगी, वो एएफटी में नहीं जाएगा, उसकी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट। और समरी कोर्ट मार्शल, समरी कोर्ट मार्शल का मैटर हाई कोर्ट में एएफटी में नहीं जाएगा जहां पर सजा 3 महीने से कम है। समरी कोर्ट मार्शल का वही मैटर एएफटी में जाएगा जहां पर डिसमिसल अवार्ड हुई है फ्रॉम सर्विस, या सजा जो आरआई दे रखी है वो 3 महीने से कम है। ज्यादा वाले एएफटी में जाएंगे, कम वाले हाई कोर्ट में आएंगे। ये बड़ा विचित्र सेक्शन है, ये चैलेंज भी हो रखा है और दो हाई कोर्ट ने इसको सेट असाइड भी कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ मेरे को पता नहीं। कौन सा सेक्शन है जी? सेक्शन 3O। तो सेट असाइड का मतलब है कि हाई कोर्ट जाओगी? सेट असाइड का उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट में नहीं, आप कम वाली सजा तो हाई कोर्ट में भेज रहे हो, ज्यादा वाली ट्रिब्यूनल में रख रहे हो, जबकि हाई कोर्ट तो बड़ी कोर्ट है। जहाँ पे एक्ट साइलेंट है वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं। एक्ट साइलेंट कहाँ पे है? जहाँ एएफटी में जो जो सजा जो जो इन्होंने बताया हुआ प्रेस्क्राइब है कि यहाँ पे अपील कर लो। नहीं नहीं साइलेंट तो है नहीं ना, साइलेंट तो रही नहीं कहीं। मैं आपको क्वेश्चन का जवाब बाद में देता हूँ। ट्रांसफर ऑब्लिक पोस्टिंग के लिए कहाँ? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ऑब्वियसली जो जहाँ 3 महीने से कम की सजा है कोई रेमेडी नहीं है, तो 226 इज ऑलवेज द रेमेडी। हां हां 226 में जाएंगे, उसमें एएफटी के पास रेमेडी नहीं है। एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ कवर करूंगा जो बहुत जरूरी है, जुरिस्डिक्शन। रूल 6 है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रूल्स का, प्रोसीजर रूल्स, कि एएफटी में जुरिस्डिक्शन का बहुत पंगा पड़ता था। एक फुल बेंच भी अपने हाई कोर्ट का आया था, लेकिन फॉर्चुनेटली बाद में एएफटी एक्ट आ गया। अब बंदा आसाम में पोस्टेड है, वहां से डिसमिस होके आ गया, कोर्ट मार्शल आसाम में, और डिसमिस होके चंडीगढ़ में आके रहने लग गया। अब पहले ये था कि वो आसाम हाई कोर्ट में ही जाए, वहीं पे चैलेंज करे, बट रूल 6 ऑफ आर्म्ड फोर्सेस प्रोसीजर रूल्स, इट प्रोवाइड्स कि जो बंदा ऐसे डिसमिस या रिटायर होके आ गया, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस कन्फर्स हिम ज्यूरिस्डिक्शन, जहां पे वो रह रहा, चाहे एएफटी चाहे हाई कोर्ट। अब सेकंड इसमें है जो इन सर्विस है, इन सर्विस में दो ही कंडीशंस है, the person where he was previously posted या where he is today posted, previously posted or today posted, then वो तो दूसरा ही है, where the cause of action wholly or in part arises। ये तो था मोटा मोटा आज के लिए, अब आपके सवाल मेरे को बताते रहो, मैं जवाब देता रहता हूँ। मैं पूछूं भी पहला? आपने एक चीज बात कही थी कि देर आर सर्टन ऑफेंसेस बाय विच आर वुड नॉट बी ट्रायबल बाय द आर्मी एक्सेप्ट केसेस वेयर दे आर यू नो दे आर नॉट इन पीस स्टेशन एंड ऑल, और कुछ आपने ये भी कहा था इन सर्टन ऑफेंसेस इट इज द कॉल ऑफ द आर्मी और द फर्स्ट वेदर दे वांट टू ट्राई इट देमसेल्फ और सेंड इट टू पुलिस। प्रीज्यूमिंग एज एक ऑफेंस में दे टेक अ कॉल दैट दे वांट टू डू इट, दे वांट टू ट्राई इट, कैन दैट एक्शन बी चैलेंज्ड एंड वेयर? उसमें ऐसे है, अगर सिविल कोर्ट में एफआईआर कोई रजिस्टर होती है अगेंस्ट एनी सर्विंग पर्सनल, ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट में एफआईआर रजिस्टर होती है, क्रिमिनल कोर्ट में ही जाता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन रूल्स हैं, ये सेक्शन 125 है शायद, एडजस्टमेंट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन रूल्स हैं, तो उसके हिसाब से मोटा मोटा बताता हूँ। मजिस्ट्रेट हैज टू राइट एट फर्स्ट इंस्टेंस, द मजिस्ट्रेट हैज टू राइट और सेंड अ लेटर टू द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन के भाई ऐसे ऐसे ये केस आया है, वेदर यू वांट टू ट्राई दिस केस और आई शुड ट्राई दिस, कंटिन्यू ट्राइंग दिस केस। द फर्स्ट ऑप्शन, वो तो पोस्ट चालान होगा ना फिर, वो तो पोस्ट चालान हो गया कि चालान से पहले ही, वो मैं आपको उसमें रूल में पढ़ देता हूँ। ये है आर्मी एक्ट सेक्शन 125 है, चॉइस बिटवीन क्रिमिनल कोर्ट एंड कोर्ट मार्शल। Where a criminal court and court martial have each jurisdiction in respect of an offence, it shall be in the discretion of the officer commanding the army
आर्मी कोर डिवीजन जो मैंने पहले भी पढ़ा था कि पहली डिस्ट्रिक्शन आर्मी वालों की है, लेकिन अगर आर्मी वालों को नहीं पता पहले वहां पे चला मतलब केस दर्ज हो गया तो मजिस्ट्रेट उसको आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर को लिखेगा कि ऐसा ऐसा ये आया है जी, व्हाट आई हैव टू डू। मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन रूल्स हैं, एग्जैक्ट नाम बताता हूँ। भूल जाता हूँ। In continuation of this question, ये सब तो आपने कहा था when the offence is against a civilian, अगर offence किसी फौजी के खिलाफ है, that too serious, meaning murder. नहीं, civilians के against जो offence है ना, मतलब तीन चीजें बताई थी ना वहाँ, जो civilians के against offence है, murder का, rape का, और culpable homicide, not amounting to murder, वो तीन में आर्मी वाले कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो तीन चीजों में आर्मी कोर्ट मार्शल नहीं कर सकती, वो सिविल में ही जाएगा। और अगर यही ऑफेंस, लेकिन 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 एक लेकिन है वहाँ पे किंतु है, अगर ये ऑफेंस फील्ड एरिया में हुआ, जैसे J&K में हो गया, एक्टिव वो एक्टिव सर्विस पे है, तो वहाँ पे आर्मी कोर्ट मार्शल उसका कर सकती। और अगर यही ऑफेंस अगेंस्ट फौजी है, तो कोर्ट मार्शल, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, क्रिमिनल कोर्ट में फर्स्ट मजिस्ट्रेट हैज टू राइट टू द कमांडिंग ऑफिसर, ही हैज टू रेफर इट टू द कमांडिंग ऑफिसर। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि अगर यही ऑफेंस अगेंस्ट फौजी किया हो, अनम्यूट आई विल क्लैरिफाई, विशाल जी इज आस्किंग कि दो सोल्जर्स हैं, एक अपनी SLR लाता है, लाके अपने बैरक में आता है और चार फौजियों को मार देता है अपनी यूनिट के अंदर प्रमाइसेस में ही, उन सर्कमस्टेंसेस में उसके ऊपर क्रिमिनल कोर्ट नॉर्मल जो सिविलियंस के लिए होती है वहां केस चलेगा या नहीं? दैट इज एक्सक्लूसिवली ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल, और पूछो। लेकिन वो तभी ये एक दो साल पहले भी एक आया था, एक फौजी जो छुट्टी पे आया था, उसने किसी वाइल्ड ड्राइविंग हिज कार कोई उसका झगड़ा हो गया था, तो उसको फिर पुलिस ने पकड़ लिया और वो कुछ उसने चेस्ट पे उसके मारा, बाद में उसको हार्ट अटैक से सिविलियन की डेथ हो गई। चंडीगढ़ का केस था, तो आर्मी ने अपनी लेकिन पिटीशन फाइल की थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ में ही लगा था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि नहीं ये इट विल बी ट्राइड बाय अ नॉर्मल कोर्ट। वो ही मस्ट बी इन गुड टर्म्स विद द CO। हाँ, हो सकता है, नहीं कर्नल, हाँ कर्नल रैंक का बंदा था, तो इतना हो नहीं था, वो इतना नहीं, तो वो DSOI में सारे बैठे हैं तो कर्नल को लानते हैं, देखिए यार वो अंदर चला गया, तूने कुछ किया भी नहीं। आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज़ मेरा नोन है वो। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, फिर कर लेंगे। ठीक नहीं, लेकिन उसमें मैं सिर्फ लीगल क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। सॉरी, दोबारा बताना, मेरे ईयरफोन उतर गए थे। सॉरी, मैंने कहा मैं उसमें एक लीगल क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, जैसे कि वो जो सर्कमस्टांसेस थे उस केस के, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट, मतलब मैंने न्यूज़पेपर ही जो पढ़ा, उसमें सर्कमस्टांसेस ऐसे शो किए गए थे कि उनकी सिर्फ झगड़ा हुआ था एंड द पर्सन डाइड सब्सिक्वेंटली, ऐसा कुछ भी उसका मारने का इंटेंशन नहीं था, वो तो बाद में मरा है, गिल्टी नॉलेज, गिल्टी इंटेंशन। भैया, आई वांट टू आस्क वन थिंग, दैट यूजुअली इन कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स वी से वी सी दैट दे आर वेरी कॉस्मेटिक इन द सेंस दैट इट इज हार्डली इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु इज टू बी डिफेंडेड
I have seen a life, I mean, I've been a witness to a court martial proceedings as a junior counsel with another senior lawyer. And cross examination ke andar, when he put a question to a witness, the defense lawyer, the presiding officer stopped it. He said, take a break, all go out. All lawyers, everybody was made to go out. For 15 minutes, that witness was inside with the panel, with the panel of officers who were conducting court martial. And then they were again called back. And the answer was totally different. So this happened on 5 to 7 occasions. So every time he was to come up with a response, only 5 to 7 in front of me. Did we change it? So ये तो डॉग वो क्वेश्चन पूछ के कह देते हैं कि आप बाहर जाइए और उसको बताते हैं कि तूने इसका क्या जवाब देना है ताकि हमें क्वेश्चन रिकॉर्ड करने में हेल्प हो. तो एंड नाउ ऑन टॉप ऑफ इट द एएफटी आल्सो, व्हाइल माय एक्सपीरियंस इज दो मेन ऑफिसर इज अ जुडिशियल ऑफिसर, but the people who are next to them, they also think that they are also running a unit only while deciding the matters. I mean, the disciplinary issues and other issues are dealt with in the manner that it is still GCM only going on. You are perfectly right, sir. So, मैंने आज की जो शुरू करी है, in fact मैंने आपको कहा था कि Indian courts में तो generally